दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस घंटे के बटन को जरूर दबाना। सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की लोकेशन कैसे देखते हैं और वो भी 100%। ओके, तो दोस्तों आज से पहले आपने यूट्यूब पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो देखी होगी और मैं खुद ही परेशान हूँ उन वीडियो को देख कर कि यार लोगों ने किस तरह से लोगों का बेवकूफ़ बना रखा है और कितना फर्जीवाड़ा किया हुआ है, कुछ भी वीडियो में सच्चाई नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज आपको 100% रियल तरीका बताया जाएगा कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की लोकेशन को कैसे ट्रैक किया जा सकता है ना। जो फर्जीवाड़े हैं उसको भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा बोलकर ऐसे ही, है ना। तो सबसे पहले ये तो मैं आपको बताऊंगा ही कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की लोकेशन को किस तरह से देखते हैं। उससे पहले एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो कि जितनी भी लड़कियाँ हैं उनकी ये शिकायत है कि हमारे बॉयफ्रेंड हमारी लोकेशन को कैसे ट्रैक कर लेते हैं। आज मैं वहाँ पर गई थी तो मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे पता चल गया कि मैं वहाँ पर गई थी, तो इस तरह के मेरे पास कमेंट आते हैं। तो मैंने बहुत ही सर्च किया इसके ऊपर, तो उनके बॉयफ्रेंड को उनकी लोकेशन का पता कैसे चलता है ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की लोकेशन कैसे देखते हैं वो मैं अभी आपको इसके बाद में बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि यदि कोई लड़की कहीं पर चले जाती है या फिर कोई कहीं लड़का चला जाता है या फिर कोई किसी की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है तो वो कैसे कर लेता है? क्या उसने उसका मोबाइल हैक कर लिया? क्या उसके मोबाइल नंबर को डालकर उसने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया? ऐसा तरीका क्या है, किस तरह से उसने उसकी अपनी गर्लफ्रेंड की लोकेशन को ट्रैक कर लिया या फिर किसी की भी लोकेशन को ट्रैक कर लिया, ऐसा है क्या माजरा? तो यहाँ पर मैं आपको खुलेआम बता देता हूँ, सबसे पहले आप माइंड में डाल लीजिए कि केवल मोबाइल नंबर से किसी की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता एज पर लीगल, ठीक है, ये लीगल है। ओके, तो यदि आप लीगल तरीके से करोगे यानी कि पुलिस में कार्रवाई होगी उसकी, उसके हिसाब से ही फिर जाकर पुलिस ट्रैक करेगी मोबाइल को। और पुलिस के भी दांत खट्टे हो जाते हैं किसी के मोबाइल नंबर से उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए। अब यदि दोस्तों आपका भी लोकेशन कोई ट्रैक कर रहा है तो आप उसको कैसे पता करेंगे, है ना। तो इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपकी ईमेल आईडी किसी और दूसरे मोबाइल में तो लॉगिन नहीं, तो आप अपनी ईमेल आईडी को चेक करेंगे। यदि किसी और मोबाइल में भी आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है तो वहाँ पर आप फंस सकते हो, है ना, आपकी लोकेशन भी ट्रैक हो सकती है, आपके सारे फोटो चुराए जा सकते हैं मोबाइल के। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी ईमेल आईडी किसी और मोबाइल में लॉगिन है या नहीं? तो इसके लिए आप अपने क्रोम ब्राउजर में चले जाएंगे, वो क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर सर्च कर लेंगे आप जो है, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे माई एक्टिविटी। सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट आएगी myactivity.google.com, इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे पूरी तरह से और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी का पूरा चिट्ठा, पूरा अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा जो जो आप करते हो उसके अंदर। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि आपकी ईमेल आईडी कितने मोबाइल में लॉगिन है, यानी कि कौन कौन उसको यूज कर रहा है ना, ये आपके सेफ्टी के लिए है। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ऊपर से तीन डॉट लेंगे और तीन डॉट लेने के बाद यहाँ पर आएगा लिखा हुआ जो है माई अकाउंट में चले जाएंगे और माई अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर अगला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा साइन इन एंड सिक्योरिटी, आप इसमें चले जाएंगे साइन इन एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में। साइन इन एंड सिक्योरिटी वाले में यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे चलने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिसेंटली यूज डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ से आप रिव्यू डिवाइस करेंगे और रिव्यू डिवाइस पर जाने के बाद अब यहाँ पर आपको वो सारे डिवाइस बता देगा जिस मोबाइल के अंदर आपकी ईमेल आईडी जो है एक्टिवेट है ना। तो कुछ मोबाइल यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिसमें आपने कभी लॉगिन करी थी और बाद में लॉग आउट कर दी, तो उसके आपको पहचान करनी है कि कितने दिन पहले का डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपके सारे डिवाइस जो है दिखा देगा गूगल, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे कि किसी की
मोबाइल की लोकेशन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कैसे देखे। तो वैसे तो मैंने आपको साफ बता दिया ये इम्पॉसिबल है विदाउट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी एक तरीका है जिसको आप आजमा सकते हो। यदि आप उस बंदे की ईमेल आईडी जानते हो या फिर वो आपका खोया हुआ मोबाइल है जो खो चुका है और आप उसकी लोकेशन देखना चाहते हो वो कहाँ पर है भी, यानी कि एक मोबाइल आपके पास है दूसरे मोबाइल की लोकेशन देखना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ एक ही जरिया है, इसके अलावा सब बिल्कुल फर्जी की बातें हैं यार, कहीं ट्रैक नहीं होती है लोकेशन किसी की, है ना, ये सब बेकार की बातें हैं। जो रियल तरीका वो है वो ये है, आप अपने गूगल में चले जाएंगे और गूगल में सर्च कर लेंगे फाइंड माई डिवाइस, तो फाइंड माई डिवाइस लिख के आप इसको सर्च कर लेंगे और यहाँ पर आपकी जो है मोबाइल की लोकेशन वो दूसरे मोबाइल में भी ऑटोमेटिक जो है दिखा देगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपको अपनी आपकी ईमेल आईडी डालनी पड़ जाए, तो ईमेल आईडी डाल लेना और उसके बाद आप इसको देख सकते हो। उसकी एप्लीकेशन भी है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी दूसरे मोबाइल में दूसरे मोबाइल की लॉगिन ईमेल आईडी डालकर उसमें देख सकते हो दूसरे मोबाइल की लोकेशन। तो यही तरीका है यदि ईमेल आईडी से करना है, और इसके अलावा है कोई थर्ड पार्टी किसी दूसरे के मोबाइल में इंस्टॉल करके, अदरवाइज कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है, ये हवा हवा में किसी की लोकेशन को आप ट्रैक कर ले, है ना, ये साफ शब्द में बता रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक करके जाना। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।